पंजाब से हैं सुषमा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, हाँ जी मैम, नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम, मैडम प्रिंसिपल से बात करनी थी। कर लीजिए जी बात। बात हो रही सुषमा जी, आपका स्वागत है। जय हिंद। नमस्ते सर। जय हिंद। सर मेरे दो सवाल हैं। एक मेरी सिस्टर का है, मतलब उसके ना पीरियड की दिक्कत है उसे, लेकिन उसकी उम्र 50 साल है। ठीक है। तो पीरियड 6 महीने आते नहीं है, जब आते हैं तो 2-3 महीने आते हैं, रहते हैं, मतलब रुक जाते हैं, अभी तो फिर आते हैं, रुक जाते हैं, फिर आते हैं। फिर हमने ठीक डॉक्टर को दिखाया तो रसौली आई है 5 सेंटीमीटर। तो उन्होंने दवाई तो दी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो डरती है बहुत कि किसी ऑपरेशन ना करना पड़े मेरे को। तो आप बता दीजिए कोई अच्छा सा नुस्खा, और कितने महीने लेना है ये ठीक सब है। कुछ बता दीजिए। और मेरी एक ग्रैंड मदर है, उन्होंने ना चोट लगी पेट पीछे, गिर गए थे। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा थोड़ा सा गैप आया है, उन्होंने दवाई दी कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको भी। तो ठीक है। उनके बारे भी कोई अच्छा सा नुस्खा हो तो बता देना। तो सिस्टर बारे बहुत अच्छा सा नुस्खा बताना जो ठीक हो जाए, ठीक है मैम, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हो। ठीक। जी देखिए सिस्टर को एक नस्खा बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए आप और उसमें गलती ना करें। एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून असली लें और दो चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी में डालें और एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में सोडा होता है वो पानी में डाल दें और दो चुटकी नमक जैतून, और इस पानी से गोंद चिलगोजा एक चुटकी खाना है। गोंद चिलगोजा असली एक चुटकी खाना है, ये पानी पी लेना है पूरे दिन में एक बार। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। नमक जैतून दो चुटकी पानी में मिलाएं, एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं और इस पानी से गोंद चिलगोजा एक चुटकी खाएं और पानी पी लें रोजाना एक बार। सुबह को खाएं या शाम को खाएं, खाने के बाद खाएं या खाने से पहले खाएं, हर वक्त खा सकते हैं। एक ही खुराक रोज़ाना लेनी है आपकी सिस्टर की तकलीफ के लिए। और क्या सवाल वो था? गिर गई थी, उनके हाँ, रिलेटिव। गैप आ जाता है और इसका ठीक होना भी मुमकिन है। एक आता है गोंद सियाह, काला गोंद। गोंद सियाह लीजिए, ये रॉ मटेरियल कच्ची दवा है और असली मिलनी चाहिए, नकली बहुत मिलती है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी या दूध से उन्हें दे दिया करें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कराएं जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, और झाड़ू पोछा वगैरह कुछ ना करने दें तो बहुत जल्द उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। संतोष जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा। नमस्कार मैम। संतोष जी कैसी हाँ तबीयत है आपकी? जी, बहुत आप। जी जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। पहले मेरी एक आर्ट सुनोगे, पहले एक आर्ट सुनोगे। मेरी तबीयत जो तो है, आप प्लीज परेशान मत हो, दुखी मत हो। और ये तो परमात्मा के हाथ में है, ना आपके हाथ में ना मेरे में। आपने तो अपना नुस्खा बता दिया, अब तो मेरी किस्मत में हुआ तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और नहीं तो नहीं। ये तो मालिक की मर्जी है, मेरे ऊपर उसकी नजर हो तो मेरे कटवा रहा है, मेरे ऊपर उसकी नजर है, मैं तो छुट्टियां कर रही हूँ उसका रोज, वही तो कटवा रहा है मेरे पास नजर। मैं कहाँ सुनता हूँ, इतनी किस्मत काट सकूं, मेरा दुख दर्द सहन कर सकूं, उसी की माया है ये सब। हाँ बेशक। तो मेरे पास आपकी वहां की दवाइयां आई है, मैं देख सकती हूँ। मैं 3-4 दिन से फोन कर रही हूँ,
और दूसरे की शिवरांजनी भूतनी लिखी है और तीसरे नंबर पर हिना सट्रंग प्लस दो और नमक जैतून और ज्वाइंट आर स्टॉक इसमें ये है नमक शिवांजनी लिखा है नमक शिवांजनी और दूसरा है हिना सट्रंग और दो डब्बे हैं इनके और जड़ी बूटियां हैं सुन तरह की इनको कैसे दे संतोष जी ये जो तीन दवाइयां हैं जड़ी बूटियां इन्हें खूब बारीक पीस लें और इसमें अगर गौंद सिया है तो वो भी पीस लें और नहीं है तो इन्हें ऐसे ही पीस लें बगैर गौंद सिया के और ये 1 ग्राम रोज खाना है सुबह और 1 ग्राम शाम तकरीबन 1 कैप्सूल की बराबर और जो दूसरे कैप्सूल हैं वो 1 दोपहर में खाएं और 1 मतलब अलग टाइम में खाएं एक साथ ना खाएं इन दोनों दवाइयों को एक साथ ना खाएं अलग अलग टाइम में खाएं और शिवरंजनी और नमक जैतून सुबह को नमक जैतून और शाम को शिवरंजनी नमक शिवरंजनी आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं इस पानी से भी ये दवाएं खा सकते हैं और ये जितनी दवाएं हैं बस ये ख़त्म कर लें अगर फ़ायदा नहीं हो तो और दवाएं ना लें मेरा आपसे ये अनुरोध है। अगले कॉलर हैं यमुनानगर से कमलेश जी स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद स्वागत कमलेश जी आपका बहुत बहुत। मैम मेरे सवाल दो तीन सवाल है मेरे। जी बताएं। मैम एक तो ना मेरी कमर में बहुत ज्यादा अकड़न है नीचे जहाँ मतलब कमर के सबसे नीचे बहुत ज्यादा सुबह के टाइम बहुत ज्यादा अकड़न महसूस देवा मतलब उठा नहीं मिलना मेरे पास इतनी अकड़न है शरीर में। ठीक है। और एक शुगर भी है सर मेरे को जी दवाई में खा रही ये शुगर वाली जामुन का गोंद जैतून का छिलका तो शुगर तो मेरे कंट्रोल है मैम और जी एक बहू है जी बड़ी एन जी ओ आप तो जानते हो उसको जी और वो उसकी एड्डी में कर रही है एड्डी में दर्द है बहुत ज्यादा एक मैम ये बालों के लिए कदम उठाया बहू के ना हाँ जी हाँ ठीक है कि बालों का कलर बताया सर जी ने हरड महेड़ा सिखाता इमेजी और पता नहीं क्या आसमान बताया सर राम सिरता मैं लिख रही इसको। ठीक है मैम जी हाँ जी ये कमर के लिए बताओ मेरे बहुत ज्यादा पता ना जबकि गौन सिया ले रही मैं गौन सिया आप ले रही हैं तो आधा आधा ग्राम खाएं और 3 टाइम खाएं 4-4 घंटे के फर्क से गौंद सिया आधा आधा ग्राम खाएं और 3 टाइम खाएं और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें और पंजों के बल ना बैठे ज़मीन में ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप झाड़ू पोंछा भी ना करें वज़न भी ना उठाएं लगातार खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है और यही गौंद सिया अपनी बहू को दें जिनकी एड़ी में दर्द है उनको 2 टाइम दें आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से। और क्या सवाल एड़ी में दर्द का बता दें शुगर शुगर तो आपकी कंट्रोल है आप दवा लेते रहें आपको आसानी मुमकिन है। रेनू जी है नेक्स्ट कॉलर स्वागत है आपका। रेनू जी आप लाइन पे हैं। हाँ बोलिए सवाल करिए। हेलो मैम। हेलो बताएं सवाल करें। मैंने हाँ मारे हकीम साहब आ रहे बात करनी है कर लीजिए बात हो रही है आपसे बताइए क्या सेवा। मैंने डॉक्टर साहब कमर में तकलीफ से बो
જમણી સાઈડ હાથમાં તકલીફ છે, ને હું આપકી કંપની સે કાલા ગોંચિયા ખા રહી હું. પછી કાલા ગોંચિયા ખાને કે મુજકો બહુ આરામ છે, એટલે મારે હકીમ સાહેબ ને ધન્યવાદ આપવાના છે કે બહુ બહુ આપકો આભાર, મુજકો બહુ જ ફાયદા હો ગયા હે. ભગવાન કા ધન્યવાદ, આપકા ભી બહુ ધન્યવાદ કે આપને ફોન કરકે યે બતાયા. આપ લગાતાર ઇસકો ઇસ્તેમાલ કરે, ઓર આપકા બહુ આભાર કે આપને ફીડબેક કોલ દી. ઓર કુછ સવાલ હે? એક હું આપણે છ નુસ્ખા બતાવ્યા, ધનિયા, અજમાય, સોંઠ, જીરા અને જેસુંકા નમક એ પણ લઈ રહી હું. મને ગાંઠ ની બહુ તકલીફ છે, એટલે એ ઓગરવા માંડી છે, પણ થોડી થોડી રહી છે હવે. તો બીજી કોઈ દવા લેવાની તો કૃપા કરીને બતાવી દીજીએ. ક્યા ફાયદા હે છે? નહીં, હા ફાયદા બહુ જ છે એનાથી. થી આપને છ વસ્તુમાં કયો ને કે લીવર ઠીક ઈ બધે થી મને ફાયદો છે. અને મારા પતિ દેવ છે એને થકાન બહુ લાગે છે. ઠીક ઠીક જી. અધિક એ નુસ્ખા હૈ જો હમારી થકાન કો ભી મિટાતા હૈ, હમારે લીવર કો ભી અચ્છા રખતા હૈ, હમારી કિડની કો ભી અચ્છા રખતા હૈ, હમારે પેટ કો ભી અચ્છા રખતા હૈ. નુસ્ખા એક બાર ફિર સે સુન લે, આપને અગર સહી નહીં લિખા હો તો લિખ લે. સૌંફ, સૌંઠ, જીરા. સૌંફ, સૌંઠ, જીરા, અજવાઇન, ધનિયા, મેથી કા દાના, યે છ ચીજે લે ઓર ઇનકો ખૂબ બારીક પાઉડર બનાએ, એક ચમ્મચ ખાએ ઓર દો ચુટકી નમક જૈતૂન પાણી મિલાએ. ઇસ પાણી સે યે છ ચીજે દિન મે દો બાર ખાએ તો આપકી યે પરેશાની ભી અચ્છી હોના મુમકિન હૈ. નેક્સ્ટ કોલર હૈ હમારે સાથ, સ્વાગત હૈ આપકા. રેનુ જી કહાં સે બાત કર રહી હૈ? હા હા સર, મેડમ રાયપુર સે બોલ રહી હું. બતાએ મેમ, સવાલ કરે. હા મેડમ, મેરે તીન સવાલ હૈ. પૂછીએ. હા મેડમ, મેરા ના બેટા હૈ 25 સાલ કા. હા તો ઉનકો સુબહ ઉઠતે હી બહોત હી છીક આતી હૈ. ઠીક હૈ. હા ઓર દૂસરા સવાલ હૈ. હા ઓર દૂસરા સવાલ હૈ કે મેરી એક ફ્રેન્ડ હૈ. અચ્છા ટીવી મત સુનિયે રેનુ જી, પ્લીઝ સવાલ કર લીજે પહેલે. રેનુ જી, જી જી. હા મેડમ, કર લીજે પહેલે. દૂસરા સવાલ હૈ કે મેરે મતલબ ઘુટને કે નીચે ના બહોત હી ખુજલી હોતી હૈ, ખુજલા ખુજલા કે બહોત હી એસે લાલ હો જાતા હૈ, ફિર બ્લડ નિકલને લગતા હૈ, ફિર કાલા હો જાતા હૈ, ઉસકે લિયે આપ કુછ બતાઈએ. ઓર તીસરા હૈ કે મેરી મેરી ફ્રેન્ડ હૈ 34 है उनकी एज, तो उनको थायराइड है एक साल से. ठीक है मैम. हाँ देखिए, थायराइड के लिए धनिया का पाउडर आधा या एक चम्मच खाएं. धनिया का पाउडर आधा या एक चम्मच खाएं सुबह खाली पेट, और એક યા દો ચુટકી નમક જૈતૂન પાણી મે મિલાએ ઓર ઇસ પાણી સે સુબહ કો નિહાર મુ ધનિયા કા પાઉડર ખાએ આધે સે એક ચમ્મચ, ઓર દિન મે દો બાર ખાના હૈ. થાઇરોઇડ વાલો કે લિયે યે નુસ્ખા હૈ. નમક જૈતૂન અસલી લેના હૈ. ઓર ક્યા હૈ સવાલ? છીંક આતી હૈ 25 સાલ કે બેટે ઇનકે. અચ્છા દેખિયે, છીંક આના રોઝાના આના યે ઇમ્યુનિટી કી કમી કી વજહ સે હોતા હૈ, યાની રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ કમ હોને સે હોતા હૈ. તો ઇસકો બઢાને કે લિયે 6 યા 7 મહિને લગાતાર ઇલાજ કરના હોતા હૈ. તો એક નુસ્ખા હૈ યે સપિસ્તાન, ઉન્નાવ ઓર અલસી, યે તીન ચીઝે 100-100 ગ્રામ લે.
उसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती है, और इसको एक एक चम्मच सुबह शाम गरम पानी के साथ इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है।